सिर्फ दोस्तों के साथ हो तो ही बेस्ट रहता है। और अब चांस है आपके और आपके फ्रेंड्स के लिए फ्री स्टेकेशन जीतने का। अभी लाइक करो एपिसोड 2 को और लाइक को सब्सक्राइब करो और जीतो फ्री स्टेकेशन। क्या लग रहा है यार, इतनी सुबह उठ गई? सोई नहीं। एक तो यार ये क्यूट लड़कियों को लड़के सोने नहीं देते ना रात भर। सो यू थिंक आई एम क्यूट? नहीं, मेरा मतलब है कि वो लड़कों ने रात भर मैसेज किया होगा ना, तो उनकी वजह से सो नहीं पाई होगी। बट ऑन अ सीरियस नोट, व्हाट हैपेंड? वही जो होता है, ब्रेकअप। और ब्रेकअप क्यों हुआ? He thought I was a bit immature. और तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है he was right. I mean, he wished well for me and I wished well for him too. और वैसे भी हमारा कोई दर्द भरा ब्रेकअप नहीं हुआ था। ओह, इसलिए इतना डेस्परेटली रिबाउंड ढूंढ रही हो? रिबाउंड नहीं ढूंढ रही हूँ यार, अच्छी कंपनी ढूंढ रही हूँ। पर प्रॉब्लम पता है क्या है, लड़कों से प्यार से बात करो तो दे ऑल थिंक दैट आई एम अप फॉर इट, एंड अगर लड़कियों से प्यार से बात कर लो तो दे थिंक आई एम चेप। तुम्हें पता है मुझे क्या लगता है? क्या? मुझे ये लगता है कि किसी के लगने ना लगने से क्या फर्क पड़ता है? एंड आई डोंट थिंक सो यू आर इमेच्योर और चेप। तुम फ्रेंडली हो, हाँ तुम यार वार्म हो, एंड अगर अपने एक्स को गालियां नहीं दे रही हो तो समवे डाउन द लाइन यू आर अ गुड पर्सन एज वेल, सो कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। थैंक्स यार, आई नीडेड दैट। यू वेलकम। आजा फोटो खींचते हैं, आजा। रेडी? एक सेकेंड। ये बहुत क्यूट है यार, सीरियस से बता रहा हूँ, ये डाल दे। नहीं, इसमें मुंह खुला है। अबे कैंडिड है, बहुत बहुत प्यारी लग रही है, देखा ना दोबारा दिखा। ढाल ला यार, क्या बात कर रही है। हाय फ्रेंड्स। हाय। बैठना। तो व्हाट्स द प्लान आज का? यार मैंने ना आज कुछ जगहें शॉर्टलिस्ट करी है, फ्यू ऑफ देम आर नियर बाय, बट जो सीनिक ब्यूटी है ना उसके लिए वी हैव टू ट्रैवल अ लिटिल बिट फार। गुड मॉर्निंग गाइस, ऑल गोइंग गुड? गुड मॉर्निंग। क्या प्लान चल रहा है आज का? बैठो ना यार। यार हम ना व्लॉग शूट करने के लिए कोई आउटडोर लोकेशन ढूंढ रहे हैं, मतलब जहाँ पे एडवेंचर भी हो और साथ में साथ सीनिक ब्यूटी भी हो, तो मतलब मजा ही आ जाए, है ना? मैं सजेस्ट करूँ कुछ? या करो यार, डेफिनेटली। हाँ, गो एक्सपीरियंसेस में वैसे तो साइकिलिंग, राफ्टिंग और भी बहुत सारी चीजें होती है ऑप्शंस में, पर आज हम अपने गेस्ट को ना नाग टिब्बा ट्रैक ले जा रहे हैं। That's awesome, यार। Why don't you guys join us? Trek. मजे आ जाएंगे आप लोगों को, मतलब आपने ऐसी कोई चीज एक्सपीरियंस नहीं करी होगी आज तक। आई एम श्योर यार, मजा आ जाएगा यार। फिर तो देखो, मैं ना आपको गोस्ट स्टॉप्स की वेबसाइट पे भी दिखाता हूँ। सी, ये वाओ, ये यार ये मैंने बॉक्स ट्रैवलर के शो पे देखा है। हाँ। और यहाँ का सनसेट इज वॉट डैंग फॉर मैन, प्लस वहाँ पे काफी पुराना मंदिर है। हाँ। तो जहाँ पे लोग मन्नते मांगते हैं, तो अगर हम टाइम से पहुंच गए तो विल टेक यू देयर। तो गाइस बस एक घंटे में निकल रही है, जल्दी से बैग पैक कर लो। ओके, डन 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 जी। चला पता चला, हाय वंश, हेलो, कुछ ढूंढता
पता चला। जोर से बोलो जय माता दी। यश मैं पीछे हो ना, सुनना दो मिनट के लिए इधर आ जा यार, मेरे को शॉट लेना है। स्नैप बना रही हूं मैं। अरे मेरे को ब्लॉग शूट करना है, इधर आ जाना दो मिनट के लिए यार। मेरा स्नैप पता है कितना इम्पोर्टेंट है? सोलो ट्रिप पे क्यों आई हूँ मैं? एक्स को जलाने के लिए, तो एक्स को जला रही हूँ। यार मिक्स, यार दो मिनट के लिए मैं यहाँ बैठ जाऊँ, मेरे को ना शॉट लेना है, और वो पता नहीं क्या रील वील स्नैप मैप कर रही है। प्लीज बस दो मिनट, हाँ दो मिनट, आ जा आ जा। कैन आई? हाय मृगाक्षी। बीटी। बीटी क्या? आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू बीटी, दैट यू सेव्ड माय लाइफ, आई मीन दैट काउ। So what are you doing? Trading. तुम्हें trading समझ में आती है? समझ में आती है मतलब मेरी सारी इनकम वही से आती है। मुझे पैसों के लिए लोगों की तरह corporate slavery नहीं करनी पड़ती। मेरे ऑफिस में भी हैं कई सारे लोग जो ट्रेडिंग करते हैं for extra earning। तुम नहीं करती? मुझे समझ में भी नहीं आती और कोई गाइड करने वाला भी नहीं है। तो मैं सिखाऊं? स्टॉक ग्रो ऐप है, इसे डाउनलोड करो। इन्होंने फर्स्ट टाइमर्स के लिए गेमिफाइड प्लेटफॉर्म तैयार किया है, क्योंकि ट्रेडिंग और ट्रैवलिंग में प्रैक्टिकल लर्निंग जरूरी होती है। तो ये प्रैक्टिकल लर्निंग मुझे यहाँ पे कैसे मिलेगी? तो देखो, एक बार ये ऐप डाउनलोड कर लिया तुमने तो 10 लाख रुपए तुम्हें वर्चुअल कैश मिलता है, इसलिए पैसे हारने का कोई डर नहीं रहता। तो प्रैक्टिस करती रहो, और जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हें ट्रेडिंग आती है, तुम कॉन्फिडेंट हो, तो रियल ट्रेडिंग में घुस जाओ। सिंपल है। आई मीन दैट्स गुड। मैं अभी ट्राई करती हूँ। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। कुछ यार साथ है, हर पल ये खास है, इन वादियों में गूंजती अपनी आवाज है, किससे अधूरे हैं कुछ दिल के राज है, आंखें मेरी नम लफ्ज़ों पे एक राग है। Guys, it's gonna be colder and steeper as we climb. So make sure आप लोग धीरे धीरे step लेके आगे चलेंगे। Keep moving guys, keep moving. One step at a time. Everyone, keep moving, keep moving. Guys, आगे ना बहुत ही मस्त trail है, तो मैं ना जा रहा हूँ, तुम लोग ना धीरे धीरे आओ, मैं long shot बनाऊंगा, ठीक है? आराम से आ जाओ। बाद में तेरा ही बनाऊंगी वीडियो, ध्यान से। ब्रेक्स कैसा लग रहा है? योर फेस, व्हाट हैपेंड टू योर फेस? व्हाट हैपेंड टू माय फेस? ब्लड 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 पार 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 पार। ओह माय गॉड, डू समथिंग। आई डू समथिंग। डीप ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग। Keep holding it like that. हो जाएगा सही। पानी देना। वो ब्रेक्स ठीक तो हो जाएगी ना? इसको इतने सारे ब्लॉग शूट करने हैं, दिल्ली से आई है पहली बार, वो ट्रैवल भी पहली बार कर रही है। तो पानी पियो।
हाई एल्टीट्यूड पे हवा हल्की हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, कॉमन हो जाता है, तो पानी भी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर? नहीं, ट्रैवलर। बस पानी बस हो गया, ठीक हो जाएगा। मिक्स, मैं बता रही हूँ, स्लाइटर गाइस से मैं पहले भी मिली हूँ। वो देखा है तूने? कुछ तो गड़बड़ है, वही है ये। तो ठीक है ना? हाँ, डोंट टच प्लीज। ओके, लेट्स गो। इतने पार्ट पिटेगा मेरे से, जब चाहिए तब नहीं है वो। ओके गाइस, आराम से, आराम से। तो गाइस, आगे का रास्ता और ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। कीप मूविंग, उसमें कीप मूविंग गाइस, कीप मूविंग, कीप मूविंग। वंश, हां, तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है? लोकल हो क्या तुम यहां के? 6 महीने पहले आया था यहां पे, फिर वापस जाने का मन ही नहीं किया। 6 महीने पहले? हाउ डू यू मैनेज, मतलब वर्क एंड ऑल? वर्क एंड ऑल, सो दिस इज माय वर्केशन। सुबह और शाम यहीं से ऑफिस का काम करता हूं, और फिर गोस्ट आपको वॉलंटियरिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर लिया है, तो वहाँ पे डेली नए लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, उनसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना, उनके एक्सपीरियंसेस उनसे सुनना, और गेस्ट को लोकल चीज़ों के लिए गाइड करना। यू नो, आई काइंड ऑफ एंजॉय डूइंग दिस। ओह माय गॉड, मैं तो सोच भी नहीं सकती हम ऐसा कुछ भी कर सकते लाइफ में। यू आर सो कूल। मुझे कूल का तो नहीं पता, बट हाँ, ट्रैवलिंग इज फन, और लोगों को हेल्प करना वो तो उससे भी ज्यादा फन। तो अच्छा, अभी बता दो कि कितनी देर और ट्रैक कर रहे हैं? बस हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। ओके, आ जाओ। तो ये भी तो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। मेरा दिमाग खराब थोड़ी है भाई, अब नियत तो खराब हो सकती है ना। वैसे भी तुम लोग आजकल कंटेंट के लिए कुछ भी करते हो, जल्दी कर ले, ठंड में सुन हो जाएगी। क्या मत कर रहा है भाई, पहले भी नहीं बताया मेरे को? अरे रुक ना, मेरे लिए रुक। सो गाइस, बस 10-15 मिनट का ट्रैक और बचा है, और ये वाली जो आप ट्रेल देख रहे हो ना, अगर हम सीधा इस पे चलेंगे तो आपको एक काफ़ी पुराना सा मंदिर मिलेगा, जहाँ पे लोग लॉक्स बांधते हैं, मान्यता मांगते हैं। पर क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और हमें सनसेट से पहले समिट पे पहुंचना है, तो गाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंड मेक श्योर आप 4-4 के ग्रुप में अपने दोस्तों को आगे बढ़ाएंगे, उनको हेल्प करेंगे, ठीक है? चलो गाइज, चलो चलो। 2, कीप ब्रीदिंग। बहुत मेरे सीधे लोग भाई। 2, कीप ब्रीदिंग। चलो। 2, लाइटर गाइज। क्या लाइटर गाइज? बी ये तो भाग, अरे ये ना, ये कहाँ जा रहा है? भाग तू, ये बीटी भाई कहाँ जा रहा है? वापस आ, अरे लाइटर गाइज। ओ भाई वापस आ यार, अरे संसद है यार। ओए चलो यार, वैसे भी चलते हैं, चलो यार, कोई नहीं, आ जाओ यार। हाँ, आई थिंक हमें जाना चाहिए यार। मृगाक्षी कैसी बातें कर रही है, लेट हो रही है, सनसेट है यार, गाइस सब के सब निकल गए आगे, चलो यार चलो। पार्थ, वंश ने अभी क्या कहा कि दोस्तों को नहीं छोड़ना पीछे? अबे हमारा दोस्त कब बन गया वो यार, जब से उसने तेरा कैमरा बचाया, और तुझे पता है थोड़ी देर पहले उसने मृक्ष की जान भी बचाई है। अबे यार वो बच्चा थोड़ी है यार, चलो ना यार, वैसे भी हमसे ज्यादा ट्रैवल किया उसने यार, चलो। पार्थ, ऐसा करो तुम लोग निकल जाओ, मैं वेट करती हूं उसका। नहीं, मैं भी यहां वेट करूंगी। हां बहुत सही, मैं भी यहां वेट करूंगी। दोनों सखी सहेलियां मिल गई ना उसको, नहीं यहां पे बैठ जाओ, लो चलो बैठो। सच में बैठ गए, कहाँ गया होगा? बीटी कहाँ रह गए थे यार, सब लोग निकल गए सबमिट की तरफ, हम लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा। थोड़ी स्पेस ढूंढनी थी मुझे, स्पेस ढूंढने के लिए। एक तो तेरी वजह से मेरा सनसेट मिस हो गया, ऊपर से तू हमें एटीट्यूड दे रहा है। तेरे को बोल रहा हूं क्या, सर पे मत चढ़ने। अरे यार, सनराइज का शॉट ले ले, रिवर्स करके लगा ले, किसी को समझेगा नहीं, लेकिन ना हां ये नहीं करना। बात बिल्कुल सही कह रहा है आपका दोस्त है ना ये, हां तू ना सुन, उठा था ना, बकवास करने की जरूरत नहीं है तेरे को। समझा? क्या कर रहे हो तू? आया होगा बकचोदी करने यहां पे, हम नहीं आए यहां पे बकचोदी करने। पार्ट समझा, दिस ट्रिप मींस समथिंग टू अस, तू होगा बिल्ला तुम्हारा दोस्त। अरे मत करो यार, जा स्पेस ढूंढ भाई तू, मैं बनाता हूँ वहाँ पे नकली कोई सूरज बूरज। अब गाइस चलें कि नहीं चलें, प्लीज। यू ओके? या ओ, सनसेट का शॉट इतना इम्पोर्टेंट था क्या?
इम्पोर्टेंट तो था पार्थ के लिए, एक्चुअली इज वेरी सेंसिटिव इस वीलॉग को लेके। अपने दोस्तों को लेके आओ, इतनी शोर और लाइट में मैजिक नहीं दिखता। लेके आओ। यार क्या मस्त व्यू है, इसका टाइम लैप्स कितना फाड़ आएगा मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा यार। भाई सॉरी यार, मेरी वजह से तुम्हारा वो शॉट मिस हो गया, जेन्युइनली सॉरी। अरे नहीं यार, तूने देख क्या दिखाया है भाई। एंड यार आई एम सॉरी टू, मुझे पता है कि मैं थोड़ा ओवर कर दिया हूँ, बट मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो ग्लैड कि तू हमारे साथ इस ट्रिप पे आया। हाँ आज ट्रिप और फन और मेमोरेबल हो गई। पीटी तू क्या ढूंढ रहा है? ढूंढ नहीं रहा हूँ यार, भटक रहा हूँ मैं अपने दादू के एक आखिरी विश पूरी करने के लिए। क्या थी उनकी लास्ट विश? एक्चुअली मेरे दादू और दादी जो थे उन्होंने कहीं एक लव लॉक बांधा था एज अ सिंबल ऑफ देयर इटर्नल लव, और उनकी आखिरी विश थी कि उनके 50th एनिवर्सरी पर वो दोनों जाके उस लॉक को खोलते, लेकिन उससे पहले ही वो दोनों गुजर गए यार। तो तुम्हारे दादू ने तुम्हें बताया होगा ना कि वो लॉक उन्होंने कहाँ लगाया है? नहीं ना, वही तो नहीं बता पाए। एक्चुअली मेरे दादू को अर्ली अल्जाइमर्स था, तो इसलिए मैं दादू और दादी जिन जगहों पर गए थे वहाँ जाके वो लॉक ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए पिछले एक साल से ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं भागा भी था ना अभी, मैंने सुना उधर एक मंदिर है शायद उधर मिल जाए। तुम मेरे दादू से बहुत क्लोज हो। एक्चुअली आज मैं जो कुछ भी हूँ ना मेरे दादू की वजह से, दादू ने बहुत कुछ सिखाया मेरी लाइफ की जितनी भी सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज है ना वो मेरे दादू के साथ है। ट्रैवलिंग करना भी मुझे एक्चुअली दादू ने ही सिखाया था। अल्जाइमर्स में लोग सब कुछ भूल जाते, अपने पास वाले लोगों को भी भूल जाते, लेकिन दादू को मैं याद था। मैं अगर अपने दादू की आखिरी विश नहीं पूरी कर पाया तो गिल्ट खा लेगा मुझे। आई नो ये तुम्हें बात सुनने में थोड़ी सी स्टूपिड लग सकती है, लेकिन यार जो है वो है। तो ऐसा कुछ भी नहीं यार, इनफैक्ट बहुत रेयर लोग होते हैं यार आज की लाइफ में ऐसे, वरना किसी के पास टाइम ही कहाँ है। एंड योर दादू मस्ट बी सो प्राउड ऑफ यू। यू नो व्हाट बीटी, वो जो स्टार सबसे ज़्यादा चमक रहा है ना वो पक्का तेरे दादू होंगे, और ऊपर से ना तुझे देख रहे होंगे। नहीं एक्चुअली दादी है। दादू उसके साथ फ्लर्ट कर रहे और वो शर्मा रही है। हम सब मिलकर ढूंढवाएंगे तेरा लॉक। यस हम सब मिलके ढूंढवाएंगे। यस यस। सॉरी शराब पी गए या कुछ बची हमारे लिए थोड़ी सी। हर सफर में आपसे कुछ नए लोग मिलते हैं, फिर बिछड़ते भी हैं, पर इस मिलने और बिछड़ने के बीच में ही शायद वो आपको जिंदगी जीना सिखा देते हैं। हमें पता नहीं जो हम ढूंढने जा रहे हैं वो हमें मिलेगा भी या नहीं, लेकिन इतना जरूर पता चल गया है कि ये सफर मुश्किल सही पर मजेदार जरूर होने वाला है। गाइस दोस्त अच्छे हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाए, तो आप इस एपिसोड को करिए लाइक और ऑल राइट को सब्सक्राइब, क्योंकि इस सफर में आपका साथ बहुत जरूरी है। यार आई रियली वांट टू नो बीटी जो ढूंढने की कोशिश कर रहा है वो उसे मिल पाएगा भी या नहीं। अरे यार वो तो नेक्स्ट एपिसोड में पता लग जाएगा ना। ओह।
एंड गाइस, इफ यू आर एनीथिंग लाइक बीटी और स्टॉक्स के थ्रू पैसा कमाना चाहते हो बिना कोई स्ट्रेस लिए, तो अभी डाउनलोड करो स्टॉक ग्रो ऐप। सो गाइस, ट्राई इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग इन अ रिस्क फ्री मैनर थ्रू दिस फन ऐप। ऑल्सो गाइस, आपको यहां पे सीखने के लिए 10,00,000 तक के वर्चुअल कैश मिलता है। तो जब एक बार सीख गए फिर तो मैं उड़ भी सकती हूँ और दौड़ भी सकती हूँ। और गाइस, स्टॉक ग्रो ऐप पे सीख के आप गिरने से भी बच सकते हो, तो अभी डाउनलोड करो यार स्टॉक ग्रो ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ऑल राइट एंड बी ऑल राइट।